इन लड़कों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये जितने भी टीम के लड़के जो पहली दफा खेल रहे हैं आखिर इंटरनेशनल लेवल पर? बिल्कुल, इनको तो इतना मसला नहीं होना चाहिए। जैसे पाकिस्तान से कोई खेलता है ना, जब PSL या BPL या व्हाटएवर लीग्स में आप परफॉर्म करके खेलते हैं, जो स्क्रूटनी है ना जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस की, वो ज़्यादा होती है ऑब्वियसली। जो नॉन टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनकी स्क्रूटनी इतनी नहीं है, क्योंकि उनके पास ज़्यादा प्लेयर होते नहीं है, सो दे प्रोटेक्ट देयर प्लेयर्स। ठीक है, बैकअप करते हैं अगर नहीं भी परफॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेयर्स की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर मीडिया आपके ऊपर तनकीद भी करता है, यू नो 3-4 मैच हो जाते हैं तो आपका एक डिफरेंट सिनेरियो, और वो प्रेशर फिर हैंडल करना इतना आसान नहीं रहता। तो आई फील इनके लिए शायद अभी भी ये वर्ल्ड कप, वर्ल्ड T20 भी एक एक्साइटमेंट ज़्यादा है रादर देन प्रेशर, बिकॉज दे हैव एवरीथिंग टू विन, दे हैव नथिंग टू लूज बेसिकली। सो आई फील के इनको प्रेशर लेना भी नहीं चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए और एक्सप्रेस करना चाहिए अपने आप को, जिस तरीके से आज एरन जोन्स ने किया और बाकी प्लेयर्स भी नज़र आए, परफॉर्मेंस और प्लेयर्स की जानब से भी आई। तो आई फील कि इनके ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा जितना पाकिस्तानी की प्लेयर अगर टीम में सेलेक्ट होता है, या इंडिया से, या श्रीलंका से, कहीं भी और से, जो जिनकी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज़्यादा होती है। तो आई फील कि इनको इतना नहीं होगा। अच्छा, एक और टॉपिक भी है, इस पर भी अभी विकेट्स के बाद डिस्कस करते हैं कि काफ़ी प्लेयर पाकिस्तान के भी USA जाना शुरू हो गए। अभी एंडरसन भी हमने देखा कि वो भी खेल रहे थे। अदर भाई कोई कमेंट करना चाहें विकेट्स के हवाले से, बॉलिंग कैसी थी और चैनल भी हुई? नहीं देखिए, ओबियसली वही बात है कि स्टार्ट में कैनेडा की बॉलिंग लग रही थी जैसे काफ़ी थ्रेटनिंग है। कलीम सना आई थिंक, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, पाकिस्तान के कैंप U19 के कैंप में भी आ चुके हैं और मैंने इनको NCA में भी देखा था। तो अगेन वही कि थोड़ा थोड़ा टैलेंट है, लेकिन वो ये बैकअप करना, उनके जो एक स्पेल को दूसरा जो स्पेल है वो बैकअप करता है, जो मिडिल ओवर्स हो गए या हो गए, तो वो उनसे नहीं हो पाया उस तरीके से। फिर वही जैसे इन्होंने बात की कि जब वो स्पिनर को हिटिंग कर रहे थे, इनको पेसर लाना था, लेकिन वही बात है, बेचारों के पास उतनी ऑप्शंस मौजूद नहीं है जैसे पाकिस्तान के पास 3-4 फास्ट बॉलर हैं, या किसी और जो टॉप प्लेइंग क्रिकेटिंग नेशंस हैं इस वक्त, उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि दे कैन ऑलवेज रिलाई ऑन देम। तो वहाँ पर नज़र आया कि वहाँ पर थोड़ी वीकनेस है, कि अगर पार्टनरशिप लग जाती है फिर इन टीमों से ना उस तरीके से कम बैक नहीं हो पाता। बिल्कुल सर भाई, आप कहना चाहेंगे कुछ क्वालिटी बॉलिंग का मसला नज़र आता है? नॉर्मल ट्रेडिशनल कन्वेंशनल किस्म के बॉलर हैं, मीडियम पेस बॉलिंग है, अगर बॉलिंग भी देखें स्पिनर की भी तो वो भी सिंपल ट्रेडिशनल बॉलिंग है, कोई मिस्ट्री स्पिनर या इस तरह का मैजिकल बॉलिंग हमें नज़र नहीं आई, उस हवाले से आपका क्या टेक? डेफिनेटली जो एक्सपोजर टेस्ट प्लेइंग नेशंस का है, वो एफिलिएट साइड्स को उस लेवल का अभी तक एक्सपोजर नहीं मिला। मेरे ख्याल में जो मैच कल का जो मैच था, वो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था कि जिस तरह का ये ग्रुप है, आपने देखा है कि इसमें US है, कैनेडा है, फिर आयरलैंड, पाकिस्तान और इंडिया। तो अगर इनमें से इन दोनों टीमों का अगर कोई भी चांस है क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेज के लिए, तो इनके लिए इंपॉर्टेंट था कि आज वाला मैच मस्ट विन था। तो इसलिए US के लिए एक इंपॉर्टेंट विक्ट्री है, और US को हमें ये भी याद रखना चाहिए कि US ने रिसेंटली बांग्लादेश को भी T20 सीरीज हराई है। तो US एक ऐसे पोटेंशियल बनाना स्किन है जो आयरलैंड, इंडिया और पाकिस्तान के लिए अगले मैचेस में हो सकता है, तो इनको लाइट नहीं लिया जा सकता। और खासतौर पर इस तरह की कोई एक इनिंग्स लग जाए जिस तरह की आर्यन जोन्स ने लगाई है, तो मान लीजिए और एक आधे मैच में हमारे खिलाफ बारिश होगी, तो यू नेवर नो, कई भी मामला आ सकते हैं। देखें जो भी टीम इस T20 वर्ल्ड कप में आई है, आपको उसको ऑब्वियसली सीरियसली लेना है, क्योंकि स्लिप का चांस इस पूल में बहुत कम है। क्योंकि अगर आप खुदा ना खास्ता एक मैच स्लिप कर जाते हैं, जैसे अगर 2007 का वर्ल्ड कप था जिसमें आयरलैंड से पाकिस्तान हारा था, तो वो उसके बाद आपके पास चांस ही नहीं बचता फिर वापस आने का, क्योंकि आप एक मैच अच्छा हार गए और एक आप हल्का मैच हार गए, तो आपको फिर चांस नहीं रहता। नहीं, वो जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में T20 वर्ल्ड कप में हम इंडिया से हारे, फिर जिम्बाब्वे से हारे, तो फिर एक ऐसा स्पेल हुआ कि सारी चीज़ें कुदरत का निज़ाम चला फिर। बिल्कुल लेकिन हर दफ़ा आप उस पर रिलाय नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो ऐसी चीज़ हुई कि हम सोच रहे थे कि यार साउथ अफ्रीका और जो नेदरलैंड्स का मैच था, यार बारिश हो जाए तो शायद हमारा कोई जी, लेकिन जी, मैच भी उधर ही था कि उधर बारिश होगी तो हमारी भी बारिश हो जाएगी, तो वहाँ पर थोड़ा सा लगा, लेकिन वो फिर जो एक ऐसे लगा मौजाती जीत थी नेदरलैंड्स की अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो वो हो जाए तो फिर तो आप कम बैक कर सकते हैं। लेकिन फिर यही है कि जब ऐसा पूल होता ना जिसमें थोड़ा टफ हो जाता, क्योंकि एक ही टफ ओपोनेंट है, बाकी सारी आपकी ऐसी ओपोनेंट्स हैं जो जिनको आपको लाजमी जीतना है। तो आई फील के ये पूल जो है ना, इसमें आपको बहुत ही आई थिंक हर मैच को आई एम श्योर वो सीरियस लेंगे भी, और यू नो लाइट नहीं लेंगे, लेकिन ये है कि यू नो